नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में जिक्र अगर रुद्र वीणा का हो रहा हो तो मौजूदा समय में सबसे मजबूती से नाम लिया जाता है आदरणीय बहाउद्दीन डागर साहब का। ये रागगिरी का सौभाग्य है कि आज डागर परंपरा की 20वीं पीढ़ी के कलाकार बहाउद्दीन डागर साहब खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम बात करने जा रहे हैं रुद्र वीणा के विश्व विख्यात कलाकार उस्ताद बहाउद्दीन डागर साहब से। और ये मैं आपको बहुत ही विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि ये जिस कलाकार से हम आज बात करना चाहते हैं जा रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक परंपरा है। वो परंपरा है ध्रुपद की। बहुत बहुत स्वागत है उस्ताद जी आपका। धन्यवाद। तो जैसा मैंने कहा कि आपसे बातचीत करना तो दरअसल सिर्फ संगीत के एक पक्ष को समझना नहीं है बल्कि संगीत की एक समृद्ध परंपरा को समझना है। तो उस परंपरा पर बातचीत करेंगे, लेकिन हम हमेशा एक रिक्वेस्ट करते हैं अपने कलाकार से, गुजारिश करते हैं अपने कलाकार से कि वो कोई भक्ति रचना हमें सुनाए और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो। तो आपसे भी वही गुजारिश करूंगा कि आप हमें कुछ सुनाए और उसके बाद हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जरूर। नमस्ते, मैं आपके सामने ललित बजाऊंगा। सबसे पहले ललित में आलाप बजाऊंगा और ललित सुबह का राग है, करीब प्रातः 4 बजे का। छोटे बच्चों के लिए जो संगीत को पहली दफ़ा सुन रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि संगीत एक भाषा है और इस भाषा को समझने के लिए अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक स्वर दूसरे स्वर से क्या कह रहा है। इसमें हम आलाप बजाएंगे। आलाप में हम एक इमेजिनेशन को खींचते हैं, जैसे आप एक ऐसे लिखते हो किसी चीज़ के ऊपर और उसको बढ़ाते जाते हो, 100 शब्द, 200 शब्द, इस हिसाब से विस्तार होता है। तो हम एक वाक्य कहेंगे, उसके संबंध में दूसरा वाक्य कहेंगे, उसके संबंध में तीसरा वाक्य कहेंगे और एक नैरेटिव बन जाएगा उससे। तो यही मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे सुन रहे वो ये चिंता ना करें कि ये क्या राग बज रहा है, ये किस लिए बज रहा है। बस ध्यान दें कि एक स्वर से दूसरा स्वर कैसे जा रहा है, उसके साथ कुछ लिंक बन रहा है नहीं बन रहा है, इसके बारे में सोचें। तो कला कैसे प्रोग्रेस करती है, कोई भी कला, उसका आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ मिल जाएगा। राग ललित। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
सर यही समझना चाहेंगे, बार बार जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ परंपरा, आप 20वीं पीढ़ी के कलाकार हैं उस समृद्ध परंपरा के जिसको हम ध्रुपद के नाम से जानते हैं, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैलियों में से एक है। मैं जानता हूँ इस प्रश्न का जवाब आपने कई बार दिया होगा, लेकिन एक बार रागगिरी के सब्सक्राइबर्स के लिए बताइए कि इस परंपरा का मायने क्या है आपके लिए। देखिए, परंपरा जो होती है वो इंसानों से नहीं बनती, एक विचारधारा से बनती है। उस विचारधारा के अंदर जो लोग उस विचारधारा को जो जीवित रखते हैं या उसको समझ के उसको आगे बढ़ाते हैं, वही उस परंपरा के लायक होते हैं या उसके उसके प्रतीक होते हैं। तो हमारे यहाँ तो मतलब सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इतने सालों से इतनी पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही, और ये मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस परंपरा के साथ जुड़ चुका क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप किसी खानदानी फैमिली से हो या मतलब, और आप उस परंपरा में आप प्रवेश कर सको, ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आपको रियाज करना पड़ता है, आपको एक विचारधारा से उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, उसके जो नियम है कायदे है, और उसको समझ कर फिर उसको एक अपने तरह से उसको आगे ले जाने की आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो परंपरा में हाँ, हम कहेंगे कि हमारे कुछ कॉम्पोजिशंस हमको मिल गए, कि हमारे जो पूर्वजों के थे जो हमें गाने को मिल गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमको परंपरा में मिली है वो है संस्कार। क्योंकि एक 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 जगह में रहकर इस चीज़ को सुनना, क्योंकि जो गाने की या बजाने की जो परंपरा है उसमें सबसे मुख्य चीज़ है वो है कि सुनना, सीखना नहीं। सीखा तो वैसे भी जा सकता है, आप बैठे बैठे ये सीखा वो सीखा, लेकिन एक सुनने की परंपरा होती है उसमें। आप उसको कान से सुनते हैं
और जब उसको आँखों से आप उसको देख पाते हैं तभी आप उस परंपरा को आप एक साकार रूप दे पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ परंपरा सिखाती की है, संगीत एक विजुअल एक्सपीरियंस है। तो इसी परंपरा में हम अभी है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिला, तो मैं ये भी समझना चाहूंगा कि बहुत प्रचलित एक टर्म है डागर वाणी, अगर आप इसको आसान शब्दों में बताएं जिससे कि बच्चे भी समझ सकें कि दरअसल ये डागर वाणी हम किस चीज को कहते हैं, तो शायद ये बहुत इंटरव्यू बच्चों में भी देखने लायक होगा। देखिए, डागर वाणी मतलब ये एक्चुअली हमारा सरनेम डागर नहीं है, हम चूँकि ये प्रथा चली है, हम अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं तो फादर्स योर नेम, फादर्स नेम और सरनेम, आपका नाम, पिताजी का नाम और सरनेम होता था, इसलिए हम डागुरी गीति गाते हैं। डागुरी नाम का एक छोटा सा गांव होता था दिल्ली के बाहर, जहाँ के डागुरी ब्राह्मण जो थे वो साधारणी गीति नामक एक गीति को गाया करते थे, वो उनके नाम से प्रचलित हुई इसलिए उसका नाम डागर वाणी कहा गया। तो एक तरीका है देखने का जिसमें सूक्ष्मता, जो बारीक बारीक चीज़ें, जैसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को, डिटेल को देख के उसको उजागर करते, उनको बढ़ा करके बताते हैं, ये इसकी विशेषता है डागर वाणी की। अगर हमने दो फ्रेजेज लिए और उस फ्रेजेज को हम बार बार यहाँ से देखें, वहाँ से देखें, पलट के देखें, तो और उसको अलग अलग नित नवीन तरीके से वापस कैसे कहने की कोशिश करें, इसे ये इसकी ये साधारण गीति की स्पेशलिटी यही डागरवाणी है। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि जब इतनी प्राचीन परंपरा हो जाए, यानी 20वीं पीढ़ी या 15वीं पीढ़ी, तो क्या उस घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पास ये आजादी होती है कि वो संगीत से इधर भी कुछ सीखें, या एक तरीके का, उसको मजबूरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरह का ये जिम्मेदारी का एहसास होता है कि नहीं, हमको इस परंपरा को आगे बढ़ाना ही है, इसलिए हम और कुछ नहीं सोच सकते, सिर्फ और सिर्फ संगीत के बारे में सोचना है। 90% यही होता है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे घर में ऐसे नहीं था। पिताजी ने कहा तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें अगर संगीत नहीं करना है तो और कुछ कर लो, लेकिन अगर संगीत करना है तो फिर संगीत करने बैठ जाओ, तो फिर और कुछ करने की मत सोचो, क्योंकि ये बहुत ही आई थिंक ओपन विचार है और ये बहुत सही विचार है, क्योंकि जो अपने आप से वहाँ जाता है ना उस तरफ, तो उसको एक तरह की फ्रीडम महसूस होती है। क्योंकि मेरा बचपन तो देखिए, आप एक अंग्रेजी स्कूल में मैंने पढ़ाई की, जो कैथलिक स्कूल थी, तो हमारे प्रेयर्स ही सब इंग्लिश में थे, मेरे आसपास का जो वातावरण था, सब बच्चे थे वो सब अंग्रेजी संगीत सुनते थे, तो हम बचपन से बीटल्स, माइकल जैक्सन, मैडोना, जेथ्रोटल, इस तरह की चीज़ें हम लोग सुन रहे, तो इसी में मैं बड़ा हुआ। फिर घर के अंदर वो संस्कार थे कि आप घर आओ तो संगीत बज रहा है, शनिवार रविवार को संगीत का माहौल हो रहा है, एक बैठकें हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें थी हमारे पास। और पिताजी ने कभी मुझे तो कभी फोर्स नहीं किया कि ये तुमको करना ही है क्योंकि ये परंपरा है, फलाना है, इस तुम नहीं करोगे तो ये ऐसा होगा वैसा होगा। उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने निश्चय कर लिया है कि अगर तुमने नहीं करना है, तो बोले बेटा ये जो है, ये विद्या है, ये सरस्वती की विद्या है, जो करे सो उसकी विद्या। अगर तुम कर निश्चित कर लो कि मुझे नहीं करना है, तो देखना मतलब परसों कोई मेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा और ये विद्या सीखने के लिए आ जाएगा। बोले ये उसका उसके आशीर्वाद से ही चलता है, बोले हमारे करने से या हमारे बोलने से ये चलने वाला नहीं है। बोले हमको संगीत की ज़रूरत है, संगीत को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोले तुम सोच लो, अगर तुमको करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो ये सोच लो कि क्या करना है, लेकिन जो भी करो ज़िंदगी में अपने हिसाब से करो और अच्छी तरह से करो। तो हमारे यहाँ कभी ये दबाव नहीं था कि इस चीज़ को करना ही है, इतनी पुरानी परंपरा है, बोले वो सब है, लेकिन अगर तुमको नहीं करना है और अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो तुम एक बुरे कलाकार हो जाओगे। और बोले उसके बारे में मुझे लोग बार बार कहेंगे कि आपका बेटा कितना ख़राब बजाता है, सुनिए, तो उससे अच्छा है कि तुम नहीं करो। अगर तुमको 2% भी लगता है कि मुझे नहीं करना है तो बिल्कुल मत करो। तो हमारे घर में ये माहौल था कि इसको अगर लेना है तो संपूर्ण
तरीके से आपको समर्पित होना है, एक शागिर की तरह सीखना है और फिर इसको करना है। बड़ी बातें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कितनी बड़ी बातें कितने आसान शब्दों में समझा जाते हैं कि संगीत को हमारी जरूरत नहीं है, हमको संगीत की जरूरत है। संभवतः ये वाक्य आपके कान में हमेशा गूंजता रहेगा, मतलब ताउम्र रहेगा। अब हालांकि आपने बचपन में सितार भी सीखा और 1.5-2 साल मेरे ख्याल से सीखा, अब हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई, तब आप 10-12 साल के थे, लेकिन कुछ याद आता है कि सितार से रुद्रवीणा में जो ट्रांसफर हुआ या जो ये तय किया कि नहीं अब रुद्रवीणा सीखना है, इसके पीछे की कोई मोटी कोई वजह थी या यूं ऐसे ही अचानक तो नहीं हुआ होगा? सितार एक्चुअली मैंने 7 और 9 साल के बीच में सीखा और 2 साल बजाया मैंने सितार, फिर पता नहीं मुझे मतलब कि इंट्यूशन था सिर्फ कि ये मुझे नहीं करना है, मैं वीणा बजाऊंगा। उसके बाद बहुत साल तक मैंने वीणा बजाई भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत वीणा के ऊपर हाथ रख दिया, ऐसा भी नहीं, बहुत साल मैंने संगीत ही नहीं किया, लेकिन पता नहीं कुछ दिमाग में कुछ बैठ गया कि बस वीणा बजानी है। और ऐसे नहीं कि हमारे पिताजी भी दिन भर बैठ के वीणा बजाते थे या सुनाते थे, ऐसा भी नहीं था, लेकिन एक कुछ शायद उसकी एक सुर की मार शायद कान में बैठ गई हो और ऐसा लगा कि इसी वाद्य को बजाने की कोशिश करनी चाहिए आगे चलकर। इस बातचीत में वक्त है अब एक विराम का, कल एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे इस बातचीत का दूसरा हिस्सा।